आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आपकी की रिक्वेस्ट पर एक सी फूड का सालन, जिसका नाम है प्रॉन्स। यानी कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं झींगे, इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रोजन थे, किंग प्रॉन है ये। इनको मैंने डिफ्रॉस्ट किया और डीवेन कर लिया, यानी कि इसको जो है आपने साफ कर लेना होता है। तो ये हो गया एक काम। जो हमने इसका मसाला बनाना है, उसके लिए आपको चाहिए फ्रेश लहसुन और अदरक, यानी कि गार्लिक एंड जिंजर चाहिए। आप इन दोनों को लंबाई में काट लेंगे, बारीक काटेंगे, बीच में थोड़ा सा मक्खन जाएगा, दैट्स बटर। सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बेशक अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जाएगी डबल क्रीम, लेमन जूस चाहिएगा बीच में, यानी कि नींबू का रस, हल्दी यानी कि टर्मरिक, और यहाँ पर आप देख लें ये ज़ीरा है जिसे मैंने ड्राई रोस्ट किया और उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया, सो दैट्स क्यूमन सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड। धनिया पाउडर, दैट्स कोरिएंडर पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, दैट्स रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, गरम मसाला मेरा होममेड है। बीच में आप डालेंगे इसमें टमाटो प्यूरी, आपको ट्यूब्स में आसानी से मिल जाती है। फ्राइड अनियंस जाएंगे बीच में, मैं आज रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर का इस्तेमाल यानी कि टमेटोज काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, थोड़ा सा तेल भी जाएगा। हरा धनिया एंड में डालेंगे, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। देख लें, तेल मैं कर चुकी हूँ गरम। इसमें आप डालेंगे फ्रेश जो आपका लहसुन है, और आपने इसे हाई फ्लेम पर रखना है और लाइट गोल्डन कलर की तरफ लेकर जाना। आपने इसको सुनहरा करने से ज़्यादा काला मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ला करके ऐड करेंगे जो कि आपके टमाटोज हैं। सारा मसाला ही इसी से बनना है, तो टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल है। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, कुटा भुना जीरा, नमक और फ्रेश अदरक आपकी जाएगी। फ्लेम हाई पर रखेंगे और यहाँ पर आपने जो है टमाटर गला देने और इसका मसाला तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पर देख लें कि तेल दोबारा सरफेस पर आ गया और अच्छा गाढ़ा आपका मसाला जो है टमाटरों की वजह से बन चुका हुआ है। यहाँ पर लाकर के आप ऐड करेंगे जो कि आपका टमाटो की प्यूरी है, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले यहाँ पर। गरम मसाला पाउडर जाएगा बीच में, और यहाँ पर इसको मिक्स कर लेने के बाद साथ ही में अभी यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे जो कि आपके किंग प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं यानी कि झींगा, अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप यहाँ पर रखेंगे हाई फ्लेम पर, और हाई फ्लेम पर भी आपने इसको कुक कर लेना, क्योंकि प्रॉन्स जो है जैसे ही उसको स्टीम, भाप, गर्म सालन, पानी या कुछ लगता है, वो स्ट्रेट अवे स्टार्ट्स कुकिंग। तो ये है कि इसको हाई फ्लेम पर आपने 5 से 10 मिनट दे दें, चमचा बीच में हिलाते रहें और आपकी प्रॉन्स यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए तेल आ गया सरफेस पर, 10 मिनट आपने इसको अच्छी तरह चमचा हिलाते रहना है ताकि आपके जो प्रॉन्स हैं पक जाएं। इसका मसाला भी काफ़ी गाढ़ा बनता है। इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो आपका मसाला ज़्यादा बनेगा, अगर आप टमाटर कम इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कम बनेगा। उसके बाद यहीं पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि आपके फ्राइड अनियंस थे, डबल क्रीम जा रही है बीच में, इसमें ऐड करेंगे मक्खन, लेमन जूस, अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कवर कर कर इसको आपने जो है सिमर करना है, यानी कि दम देना है 5 से 6 मिनट को ला करके। अब आप डालेंगे हरा धनिया, मिक्स कर लें और इसे डिश आउट कर लें। प्रॉन मसाला आप इसको सर्व करते हैं गरम गरम चावलों के साथ में, रोटियां हो या नान। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज cookwithfaiza.net पर। बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।